पाठ का शीर्षक है सबसे अच्छा पेड़। तीन भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छांव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया। बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। मुझे भी। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यही घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसीलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़
बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। ओ, तब एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, खर खर, नारियल की जटाएं साफ हो गईं। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छांव। तीसरा भाई उसी छांव में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियां दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियां बेच सकता हूं और पेड़ मुझे ठंडी छांव भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता, चीरे के तले में एक प्याला रख देता, पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता, रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ मैं बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीजें बना लेते। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है। नारियल के पेड़ की ही सोचो, नारियल की जटाओं को काट कर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूं और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयां भी बना सकता हूं। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूं। मैं नारियल का पानी पी सकता हूं, मैं नारियल की गरी खा सकता हूं और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूं। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूं। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीजें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूं। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? सबसे अच्छा पेड़। अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनि पाठ। विषय संचालन प्रोफेसर मंजुला माथुर, पाठ समन्वय लता पांडे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, कीमती आनंद, पवन कौशिक और बाबला कोचर, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।